हेलो गाइज एंड वेलकम टू अफिशनाडोज डेन वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइज आज जो बियर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है बी यंग। सो गाइज दिस इज एन इंडियन बियर और ये एक क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग बियर है। क्राफ्ट बियर्स के स्पेस में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ बियर्स, देर आर मैनी बियर्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट मैंने आज तक कभी स्ट्रॉन्ग बियर नहीं देखी। तो जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया, थोड़ा सा और पढ़ा, तो आई गॉट टू नो दैट दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बियर इन द क्राफ्ट सेगमेंट ऑफ बियर्स। सो दिस इज़ समथिंग रियली न्यू एंड दिस इज़ मेड बाय किमाया हिमालयन बेवरेजेस। द हेड ऑफिस इज़ इन दिल्ली एंड यस, ये जो बियर है ये माल्टेड बाले से बनी हुई है। जो बाले सोर्स किया जाता है अर्जेंटीना से, फिर वो यहाँ पर आता है एंड उसके बाद माल्टिंग होती है उसकी। इसमें राइस भी है, इसमें ईस्ट भी है एंड ऑफ कोर्स द वाटर दैट हैज़ बीन सोर्स्ड फॉर इट इज सोर्स्ड फ्रॉम भाखड़ा कनाल। सो दैट्स प्रिटी मच अबाउट द बियर। जो इसमें हॉप्स होते हैं वो यूरोप से सोर्स किए जाते हैं एंड दिस बियर इज़ 410 रुपीज़ इन दिल्ली, बट आई गॉट अ डिस्काउंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में डिस्काउंट्स चल रहे हैं, सो आई गॉट इट ऑन अ डिस्काउंट फॉर 85 रुपीज़। सो दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स अबाउट द बियर। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की किमाया हिमालयन बेवरेजेस की, तो द ओनर मिस्टर अभिनव जिंदल वॉन्टेड टू क्रिएट एन ऑनेस्ट बेवरेज विच कुड लीव बिहाइंड अ लेगेसी एंड कुड बी इंजॉयबल फॉर पीपल। सो दैट्स हाउ ही क्रिएटेड दिस बेवरेज, दिस बियर दैट वी हैव राइट नाउ। एंड दिस बियर इज ऑल्सो अवेलेबल इन अ 650 ml बॉटल। This is a can, but it is also available in a 650 ml bottle. और अगर आप इसके कलर स्कीम की देखें तो ये बहुत अच्छा कलर स्कीम में है, येलो एंड ब्लैक विथ अ हैप्पी काइंड ऑफ अ बी ऑन इट। वेल द कैन इज गुड टिल द लास्ट सिप। सो चलिए लेट्स सी हाउ इट इज, इज इट रियली गुड टिल द लास्ट सिप और नॉट। चलिए लेट्स ओपन इट एंड लेट्स सी हाउ दिस बियर टेस्ट्स लाइक एंड वॉट दिस बियर हैज़ टू ऑफर। So that's Be Young for you. Chaliye. Khul gayi. Let's pour it. ये कैन मुझसे थोड़ा सा शेक हो गया था तो इस वजह से इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ फ्रॉथ ऑन इट। मुझसे कैन हिल गया था लाते हुए, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ गॉट सो मच फ्रॉथ ऑन इट। बट चलिए लेट्स गो अहेड एंड नोज इट एंड टेस्ट इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस बियर हैज़ टू ऑफर। अगर आप देखें तो बहुत ही स्मूथ काइंड ऑफ फोम है ऊपर, बहुत ही थिन काइंड ऑफ स्मूथ फोम है। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग, बट उससे पहले लेट्स सी व्हाट कलर इट इज़। So I can see it has a light golden color to it and अगर आप फ्रॉथ देखें, अगर आप देख सकते हैं फ्रॉथ को, बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्मूथ काइंड ऑफ फ्रॉथ है। बबल्स एक साथ चिपके हुए हैं, बिल्कुल अलग नहीं है, इफ़ यू कैन सी इट। सो सीम्स लाइक अ वेरी नाइस स्मूथ काइंड ऑफ अ फ्रॉथ। चलिए लेट्स गो अहेड एंड नोज इट। सो ऑन द nose I can get some maltiness out of it, some green fruits out of it like green apple, maybe raw mango in it, a bit of honey is what I can get. Let's go ahead and nose it again. Yes, a bit of maltiness is something that I can get. Bit herbaceous. So, chaliye, let's get on to the taste. Let's see what this beer has to offer on the taste. Chaliye. I can taste rice in it, of course. A bit of maltiness in it. Those raw mangoes are coming through. मुझे अच्छा सा ग्रीन एप्पल, अ बिट ऑफ फ्रूटीनेस इन इट इज व्हाट आई कैन टेस्ट। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड टेस्ट।
जो फ्रॉथ है वो बहुत ही क्रीमी है एंड द टेस्ट एज आई वाज सेइंग हल्की सी बिटरनेस है विच इज़ रिफ्रेशिंग. बिटरनेस इन बियर इज़ रियली रिफ्रेशिंग बट बिटरनेस इन विस्की इज़ टोटली डिजास्ट्रस. इट इज़ ऑफुल टेस्टिंग. इट इज़ गॉट अ रियली रिफ्रेशिंग टेस्ट एंड I really enjoyed this beer. I would not deny it. This is really a strong beer, as I can see from the taste of it. डब्बे पे भी लिखा हुआ है कि it is between 5% ABV to 8% ABV. But after a bit of research, मुझे पता लगा कि it is somewhere around mostly 7% ABV. तो I like the taste. I like the beer. So अगर मैं बोलूँगा तो ये beer बहुत ही enjoyable है and I'll definitely go ahead and drink it if I get a chance again. So अगर मैं इस beer के aficionados report card की बात करूँ तो on the price point I would give it a 8.5 and on the taste I would give it a 9. So इस beer का aficionados number होता है 8.75. A really good beer, must enjoy, but do enjoy it responsibly and do not drink and drive. And as we say in aficionados den, stay classy and cheers.